एमएस धोनी को इन दो लोगों की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन ये दो लोग आखिर थे कौन? एमएस धोनी ने 2017 में आर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के दो ऑफिशियल्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपनी इंडिया और फॉरेन में एमएस धोनी के नाम से क्रिकेट अकेडमीज खोल सकती थी। इन अकेडमीज के खुलने के बाद एमएस धोनी को उनका इन्वेस्टेड अमाउंट तो वापस मिलता ही और साथ ही प्रॉफिट्स का 70% भी मिलता, लेकिन एलिजेडली इन्होंने एमएस धोनी को बिना बताए ही अकेडमीज खोलना शुरू कर दिया और एमएस धोनी को कोई पेमेंट भी नहीं दी। 15 अगस्त 2021 को इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने एमएस धोनी के नाम से क्रिकेट अकेडमीज खोलना बंद नहीं किया। इसीलिए 27 अक्टूबर 2023 को एमएस धोनी ने इस कंपनी के दो ऑफिशियल्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया, जिनका नाम है मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने एमएस धोनी के पैसों से 8 से 10 जगह अकेडमीज खोली थी, जिसकी वजह से एमएस धोनी को लगभग 16 करोड़ का नुकसान हुआ।